नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान कर्ज माफी के बारे में बताना चाह रहा हूं। में किसानों की कर्ज माफी के दूसरे चरण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सभी जिलों के ऐसे किसानों की जानकारी बुलाई गई है जो तय मापदंड के तहत कर्ज माफी योजना के हकदार हैं। इंदौर जिले से 13,880 किसानों की जानकारी शासन को भेजी गई, जिनका करीब 61 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज माफ होना है। योजना के तहत बैंकों के नियमित कर्जदार किसानों का 50,000 रुपये और डिफाल्टर किसानों का 2,00,000 रुपये तक का कर्ज माफ करने का प्रावधान किया गया है। इंदौर जिले में कर्ज माफी योजना में 98,000 से अधिक किसानों के पंजीयन हुए, जिनमें से अभी तक 24,243 किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं। जिले में 12,242 डिफाल्टर किसान कर्ज माफी योजना के दायरे में आ रहे हैं और इनका 54.76 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होना है, लेकिन अब तक इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इधर पंचायत स्तर पर फर्जी प्रमाण पत्र भी सामने आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस सरकार के मंत्री जीतू पटवारी भाजपा पर षड्यंत्र के आरोप लगा रहे हैं। कलेक्टर को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोगों ने फर्स्ट फेज में करीबन 98,000 किसानों के फॉर्म्स पंच कराए थे, जिसमें से लगभग 24,000 किसानों का फर्स्ट फेज में ऑलरेडी ऋण माफ हो चुका है। शेष की जैसे अभी फेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, बाकी प्रक्रिया में लेकिन उनका भी कहा कर्ज माफ का कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों के इंदौर जिले में पहले ऋण माफ हुए, दूसरे की जिसकी प्रोसेस चल रही है। एक और बात सामने आई है कि उन किसानों को जिनके ऋण माफी में नाम है, उनको खाद बीज के लिए नहीं दिया जा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी अनर्गनल झूठ बोल के लोगों को भ्रमित कर रही है। सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताजा अपडेट की जानकारी मिल सके।